नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी कोर्स 5, पेपर कोर्स 5 है। यानी कि आज आप इस वीडियो में देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 2000 एग्जाम 2020 का है, बीएड फर्स्ट ईयर का है, पेपर है कोर्स 5। अब आप कहेंगे किस यूनिवर्सिटी का है, तो ये भी नहीं, ये KUK यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्रा का है। तो अभी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, तो आई थिंक सितंबर तक हो जैसे कि अनुमान है लॉकडाउन के कारण। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं उन विद्यार्थियों के लिए अपलोड कर रही हूँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगा और क्वेश्चन जो है रिपीट करता है, तो इसीलिए आप 2 साल क्वेश्चन देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप चैनल को फॉलो करें और प्ले लिस्ट में जाकर देखें। तो ये है कोर्स 5। तो बीएड फर्स्ट ईयर में जो कोर्स होते हैं, 7 कोर्स पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर में, जिनमें से 5 कोर्स जो हैं वो कॉमन होता है, यानी सभी सब्जेक्टों वालों के लिए कॉमन है, वो उनको पढ़ना है। और 2 कोर्स जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं अपने, यानी जिन्हें हम पेडागोजी सब्जेक्ट कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्स 5 जो है, कोर्स 5 होगा 50 मार्क्स का, टाइम मिलेगा 1.5 आवर। इसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, और 2 यूनिट दिया गया है, दोनों यूनिट से एक एक क्वेश्चन, एटलीस्ट 1-1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है, अनिवार्य प्रश्न पत्र। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। पहला क्वेश्चन है नीड ऑफ जेंडर स्टडीज, दूसरा है जेंडर इशूज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। ओके, अब हम देखेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको हल कितना करना है, आपको सॉल्व करना है 1 क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। डिस्क्राइब द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज इन व्यू ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। यानी कि भारत में सामाजिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन की ओर प्रतिमान विस्थापन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ जेंडर बाई सेटिंग द थॉट ऑफ वेरियस फिलोसोफर। ओके, यानी कि विभिन्न दार्शनिकों के विचारों का उदाहरण देते हुए लिंग के दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब हम देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 2 क्वेश्चन, यानी कि आपको 1 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी। यानी कि लिंग अपक्षपात एवं समानता में क्या अंतर है, समाज में लिंग समानता की आवश्यकता और महत्व की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हाउ इज द करिकुलम बेस्ड ऑन जेंडर इनइक्वालिटीज इन इंडियन एजुकेशन, हाउ कैन वी रिमूव जेंडर इनइक्वालिटीज फ्रॉम आवर स्कूल्स। यानी कि भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में, भारतीय शिक्षा में पाठ्यक्रम किस प्रकार लिंग असमानता पर आधारित है, हमें अपने विद्यालयों से लिंग असमानता किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा आपका कोर्स 5 का। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द मैं अब 5 हो गया, यानी कि जितने भी कॉमन पेपर थे उसके क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिए। अब मैं जो पेडागोजी सब्जेक्ट है उसका मैं एक एक करके जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी, और बहुत जल्द गेस्ट क्वेश्चन भी अपलोड करूँगी। बस आप चैनल पर बने रहे, देखते रहे, मैं नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलती रहूँगी। तब तक आप पढ़ें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।